अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जारफ डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारामद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सआदत हसन मंटू के अफसाने खोल दो के बारे में। लेकिन खोल दो पढ़ने से पहले हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में जानेंगे। नाम है इनका सआदत हसन और कलमी नाम है मंटू। पैदाइश इनकी हुई है 11 मई 1912 को सिमराला ज़िला लुधियाना पंजाब में और वफात है 18 जनवरी 1955 को मयानी साहब लाहौर में तदफीन हुए हैं। और वालिद का नाम है ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन और वालिदा का नाम है सरदार बेगम। शादी इनकी 1929 में सफ़िया बेगम से हुई है और औलादें हैं इनकी, एक बेटा है आरिफ और तीन बेटियां हैं निकहत नुजहत और नुसरत। और ये हिजरत करके जनवरी में 1948 को पाकिस्तान चले गए थे। तालीम इनका मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से पास करने में 4 बरस लग गए थे और मैट्रिक में 3 बार फेल हुए। 1931 में हाई स्कूल स्वयं दर्जा में पास किया। मंटू हमेशा उर्दू के मज़मून में ही फेल होते रहे। चौथी बार मैट्रिक पास तो कर लिया लेकिन उर्दू के मज़मून में फेल ही रहे। अदबी रहनुमा जो हैं वो बारी अलग, मंटू की पहली तहरीर इनके इदारत में शाये होने वाले अखबार मसावात में शाये हुई थी। 1935 में मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखला लिया था लेकिन बीमारी की वजह से जारी ना रख सके। इसातिज़ा हैं फैज़ अहमद फैज़ साहबजादा, महमूदुज़फ़र, ख्वाजा मोहम्मद इमरान खान। मंटू के ज़रिए माश सहाफ़त फ़िल्म नवेसी अदब और ड्रामा नवेसी था। मंटू की तारीख़ वफ़ात, मंटू के इसातिज़ा हैं फैज़ अहमद फैज़ साहबजादा, महमूदुज़फ़र, ख्वाजा मोहम्मद इमरान जान और मंटू का ज़रिए माश है सहाफ़त फ़िल्म नवेसी अदब और ड्रामा नवेसी। मंटू की तारीख़ वफ़ात, किसी ने बड़ा नामवर अफसाना नगार से 1347 हिजरी में निकाली है। मंटू ने तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाकर एक तंज़िया अफसाना बदतमीज़ लिखा है। मंटू ने एक नावल बगैर उन्वान नाम से लिखा है जो 1954 में शाये हुआ। उसके बाद है अफसानवी मजमूआ इनका है ठंडा गोश्त, इसमें 8 अफसाने शामिल हैं और इसका इंतसाब ईशर सिंह के नाम जो हैवान बनकर भी इंसानियत ना खो सका। और पहला जो इसमें अफसाना शामिल है जहमत महरे दरख्शां, ठंडा गोश्त गोली, रहमत खुदावंदी के फूल, 3.5 आने, पीरन खुरस शारदा और बासित। जहमत महरे दरख्शां अफसाने का नाम मंटू ने गालिब के शेर से लिया है जो अफसाने में शामिल है। लरस्ता है मेरा दिल जहमते महरे दरख्शां, मैं हूँ वो कतरे शबनम जो हो खारे बयाबा पर। तो ठंडा गोश्त के किरदार है ईशर सिंह, कलवंत कौर, निहाल सरदार सिंह बेटी। इस अफसाने पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और पाकिस्तानी में मुकदमा चला। गोली के किरदार हैं शफकत, ये आयशा का शौहर है, अजीज़ साहब, तलत, निकहत अजीज़ साहब की बेटियां हैं। इस अफसाने में निकहत एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी। 3.5 आने के किरदार हैं मंटू साहब, रिजवी, नसीर, भंगी, जर्जी। बासित के किरदार हैं सईदा, बासित की बीवी। शारदा के किरदार हैं नज़ीर, करीम, दलाल, शकुंतला, शारदा, मुन्नी, शारदा की लड़की नईमा। नंबर 2 है आतिश पारे, 1936 में यह अफसानवी मजमूआ लिखा गया है और इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। एक है खूनी थूक, दूसरा इनकलाब पसंद, तीसरा है जी आया साहब, चौथा है माहीगीर, पांचवा है तमाशा, ताकत का इम्तिहान, दीवाना शायर, चोरी। मंटू के अफसाने 1940 में, इसमें 26 अफसाने शामिल हैं। पेशे लफ्ज़ है नया कानून, शुगल, टेढ़ी लकीर, पहचान, शुसु, खुशियाँ, बांझ, नारा,
शहनशी पर ब्लाउज उसका पति। मौसम की शरारत बेगू मंतर मेरा और उसका इंतकाम मोमबत्ती के आंसू दिवाली के दिए हद तक डरपोक 10 रुपये मिस डी को स्टा नम। उसके बाद अगला है धुआं, यह अफसानी मजमू है 1941 में लिखा गया है। इसमें जो अफसाने शामिल है धुआं, तरक्की पसंद, नया साल, चूहेदान, चोरी, कासिम, दीवाना शायर, लालटेन, इंतज़ार, फूलों की साजिश, गर्म कोट, मेरा हम सफ़र, परेशानी का सबब। उसके बाद अगला जो अफसानी मजमू है लज्जत संग 1948 में, सर खुजाता है जहां जख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जत संग बाअंदाज़े तकरीर नहीं गालिब। सर खुजाता है जहां जख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जत संग बाअंदाज़े तकरीर नहीं। सर खुजाता है जहां जख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जत संग बाअंदाज़े तकरीर नहीं। सर खुजाता है जहां जख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जत संग बाअंदाज़े तकरीर नहीं, ये गालिब का है। लज्जत संग बू धुआं काली शलवार सफ़ेद झूठ अफसाना निगार और जिंसी मसाइल कसौटी एक फैसला एक और फैसला। उसके बाद फंदने, इसमें टोबा टेक सिंह फरिश्ता फंदने बदसूरती मिसमाला ओदा पहलवान मिस्टर ऐनुद्दीन सौदा बेचने वाली इश्किया कहानी मंजूर मिस अडना जैक्सन। उसके बाद है यजीद, यजीद गुरमुख सिंह की वसीयत आखिरी सिलवट झूठी कहानी टैटवाल का कुत्ता 1919 की बात चोर निक्की मम्मी। चुगद है एक खत ढारस चुगद पढ़िए कलमा मिस टीन वाला बाबू गोपीनाथ मेरा नाम राधा है जानकी 5 दिन सरकंडों के पीछे बलवंत सिंह मजेठा आँखें शादी जाओ हफीफ जाओ महमूदा बचपनी पचनी वो लड़की अल्लाह दत्ता सरकंडों के पीछे भंगन फुसफुसी कहानी मोहम्मद भाई हसन की तख्लीक हुस्न की तख्लीक। नेक्स्ट है बग़ैर इजाज़त सोने की अंगूठी तांगे वाले का भाई मिस्टर हमीदा बग़ैर इजाज़त कुदरत का उसूल खुशबूदार तेल संतर पंच जिस्म और रूह अब कहने की ज़रूरत नहीं तपिश कश्मीरी रिश्वत कीमे के बजाय बोटियां काली शलवार कबूतर वाला साइन उल्लू का पट्ठा नामुकम्मल तहरीर कब्ज़ एक्ट्रेस की आंख वो खत जो पोस्ट ना किए गए मिस्री की डली मातमी जलसा तलोन सजदा काली शलवार। अगला है खाली बोतलें खाली डब्बे लाइसेंस किताब का खुलासा दो कौमें मजीद का माजी नंगी आवाज़ें राम खिलावन शांति सुहाय खाली बोतलें खाली डब्बे। उसके बाद है शिकारी औरतें रहमत खुदावंदी के फूल औरत ज़ात 3.5 आने हजामत जेंटलमैनों का बर्श औलाद मेरठ की कैंची शिकारी औरतें। 14 है बुरक़े पसीना घोघा तयक्कुन ख़त और उसका जवाब मौजे दीन एक भाई एक वायस 14वीं का चांद बारदा शुमाली। नेक्स्ट है कर्ज़ की पीते थे पुर इसरार नैना बुरके। अगला है नमरूद की खुदाई इसमें है खोल दो सुराज के लिए डार्लिंग बदतमीज़ इज्जत के लिए हारता चला गया शेर आया दौड़ना शरीफन हर नाम कौर शहीद साज बी जमानी बेगम देख कबीरा रोया बादशाहत का खात्मा तकी साहब वालिद साहब औरत जाव इश्क हकीकी कुत्ते की दुआ परी खुद फरेब बर्मी लड़की फोबा भाई अब जी डोडो। नेक्स्ट है सड़क के किनारे यानी कि शादा लेतिका रानी नफसियाती मताला मोहतरी नतफा सड़क के किनारे सिराज सो कैंडल पावर का बल्ब खुदा की कसम मुजील साहबे करामत। नेक्स्ट है ऊपर नीचे और दरमियाँ पसे मंज़र अल्लाह का बड़ा फजल है ज़रूरत है मेरी शादी किरचें और किरचियाँ
कत्लो खून की सुर्खियाँ, लीचियाँ, आलूचे और इलायचियाँ। बिन बुलाए मेहमान अपनी अपनी डफली, गुनाह की बेटियाँ और गुनाह के बाप, चचा मंटू के नाम एक भतीजे का खत, सादत हसन मंटू का जवाब, यौम इस्तकलाल, चचा शाम के नाम एक खत, एदाद के साथ अदब और ज़िंदगी की छेड़, चचा शाम के नाम दूसरा खत, चंद तस्वीरें बता, चंद हसीनों के खतूत, चचा शाम के नाम तीसरा खत, बातें, चचा शाम के नाम चौथा खत, मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ, चचा नाम के नाम पाँचवा खत, दो गढ़े, चचा शाम के नाम छठा खत, चचा शाम के नाम सातवां खत, तवीले की बला, चचा शाम के नाम आठवां खत और चचा शाम के नाम नवा खत। ये अफसाना ऊपर नीचे और दरमियाँ, ऊपर नीचे और दरमियाँ और रत्ती माशा तोला, यह अफसानी मजमूआ है जिसमें अफसाने शामिल हैं शलजम, बर्फ का पानी, चंद मकाले, रत्ती माशा तोला, गाफ, कागम, नफ्सियाती शनास, अंजाम मुलाकाती, झुमके, सिगरेट और काइफ, फाइनटीन, पीन, तीन में न तेरह में, मंटू के ड्रामे, पेशे लफ्ज, नीली रगें, कबूतरी, इंतज़ार, इंतज़ार का दूसरा रुख, कमरा नंबर 5, टेढ़ी लकीर, जेब कतरा, ईद कार्ड, अकेली, जर्नलिस्ट, साड़ी, नक्शे फरियादी, बीमार, जुर्म और सज़ा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तोहफा, सलीमा, हद तक, आओ आओ सुनो, आओ सुनो, आओ कहानी लिखें, आओ ताश खेलें, आओ खत सुनो, आओ खोज लगाएं, आओ रेडियो सुनें, आओ बात सुनो, आओ अखबार पढ़ें, आओ बहस करें, आओ चोरी करें, करवट, करवट, खुदकुशी, रंधेर पहलवान, माचिस की डिबिया, मोहब्बत की पैदाइश, चूड़ियाँ, रूह का नाटक, इसका रामो, ममता की चोरी, तीन औरतें, तीन खूबसूरत औरतें, तीन मोटी औरतें, तीन सुलह पसंद औरतें, तीन खामोश औरतें, तीन बीमार औरतें, अफसाने और ड्रामे, कानून की हिफाजत, एक मर्द, तीन उंगलियां, 2000 साल, तीन तोहफा, उसके बाद है जनाजे, चंगेज़ खां की मौत, तैमूर की मौत, कलुपत्रा की मौत, नेपोलियन की मौत, बाबर की मौत, शाहजहां की मौत, टीपू की मौत, कटारी, फुंदने इस मंझधार में, तलख और शीरी, कार्ल मार्क्स, इंसाफ, गालिब और सरकारी मुलाजिमतें। अब हम लोग पढ़ेंगे खोल दो, लेकिन खोल दो को पढ़ने से पहले हम लोग पेशे लफ्ज़ में जो फहरिस्त दी हुई है उसको पहले जान लेते हैं। जैसे कि पेशे लफ्ज़ यथार परवेज का है, नया कानून, काली शलवार, हतक, मोहम्मद भाई, बू, मोजील, ठंडा गोश्त, बाबू गोपीनाथ, खोल दो, मम्मी, टोबा टेक सिंह, सड़क के किनारे, जानकी, फुंदने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खोल दो, खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटे के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मुर्दों और बच्चों का मतलातम समंदर देखा, तो उसके सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़यीफ़ हो गई और वो देर तक गुदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूँ तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर उसके होशो हवास शल थे, उसका सारा वजूद खला से मालिक था। गुदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं, तेज़ रोशनी उसके वजूद के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं, लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगान शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता नहीं मिला।
चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिज़े पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी आंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी, उसने सिराजुद्दीन की आँखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी, किस जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी, दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था, उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, लेकिन सकीना ने चिल्ला कर कहा था अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा तो उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुँच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब वो गाड़ी रुकी हुई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया जो वो सकीना को उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आँखों ने उसकी मदद ना की। आंसू ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद होशो हवास किसी तरह दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन इन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उसको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत मुझ पर नहीं थी, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आँखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवान ने कोशिश की, जान हथेली पर रख कर वो अमृतसर गए। कई औरतें, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचा दिया। 10 रोज़ गुजर गए, मगर उन्हें सकीना नहीं कहीं नहीं मिली। 1 रोज़ वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छहटे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी के आवाज़ सुनकर वो बुदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटरों की और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया, देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया, उसने कोई जवाब ना दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की, उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बैठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बास वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार अपनी बाहों से अपने सीने को ढांपने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई ख़बर ना मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों का चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं कहीं भी उसकी बेटी का पता ना चला। रात को वो बहुत देर तक उस रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में वो उसे ढूंढ निकालेगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में इन रजाकार नौजवानों को देखा, लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उसके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक जुबान होकर कहा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब जहां कैंप में सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी
कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन उसके पीछे पीछे हो लिया। लड़कों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द कर दिया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लग कर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। कमरा में दफातन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर ने जिसने कमरे में रोशनी की थी सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं उसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा और उसकी नब्ज़ टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने अजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खामोशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। तो ये अफसाना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट अफसाने के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।